अमित शाह ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, एनडीएमसी के 4500 कर्मचारियों को स्थायी करने की दी सूचना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट, नेपाल व पड़ोसी राज्यों की सीमा पर बढ़ी पेट्रोलिंग। अमेरिका ने कराया था नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट, नाटो देशों के लिए खतरा भी, जून में बनी रूस से आने वाली पाइपलाइन। जडेजा पर बॉल टेम्परिंग का आरोप, बीसीसीआई ने खारिज किया, उंगली पर मरहम लगाया तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने सवाल उठाया। महिला टी20 वर्ल्ड कप का आगाज, आज से भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए राजधानी लखनऊ सजकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस समिट में 34 सत्र होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समिट में बढ़ते और बदलते प्रदेश पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। उद्घाटन सत्र 10 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलेगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है, वहीं कुछ ही देर में पीएम मोदी का आगमन होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी मैं मयूरी, आपको बता दें कि यूपी में आज 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आज ये पहला दिन होगा। आपको बताया कि ये देश का अब तक का सबसे बड़ा उद्योग के क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:10 पर यहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। आपको बताएं कि अडानी एयरपोर्ट यानी कि अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर वो सबसे पहले, अगर बात करें तो उनके लिए विशेष रूप से एक मंच बनाया गया है, वहाँ वो सबसे पहले संबोधित करेंगे। उसके ठीक बाद वो फोटो सेशन में जाएंगे और विभिन्न जो स्टॉल लगाए गए हैं, जो विभिन्न सेक्शन बनाए गए हैं, साथ ही साथ अलग अलग उसमें कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं, उसमें वो गोल्फ कार से सभी जो लगभग 6 एकड़ का जो मैदान है उसका पूरा जो हर एक चीजों को देखेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि गार्जियन स्वरूप देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की जो देखे तो शोभा है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि अगर फिलहाल में बात की जाए ताजा अपडेट की तो तमाम जो निवेशक हैं उनके आने का सिलसिला तेज हो गया है। आपको बताएं कि लूलू मॉल के प्रमुख यूसुफ अली अपने चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट यानी कि अडानी एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कल देर शाम से ही तमाम निवेशक, चाहे बात की जाए सिंगापुर से, चाहे बात की जाए अन्य देशों से, वो लखनऊ में आ चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आनंद महिंद्रा से लेकर और तमाम जो देश के निवेशक है, चाहे बात की जाए गौतम अडानी की, चाहे बात की जाए मुकेश अंबानी की, चाहे बात की जाए पिरामल ग्रुप के संस्थापक की, ये तमाम जो निवेशक हैं वो कल से ही लखनऊ में डेरा डाल चुके हैं और अधिकांश अगर बात करें तो लगभग गेस्ट आ चुके हैं और कुछ की आने की क्रम अभी जारी है। आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की अगुवाई करेंगे और कल जिसे लिंक रोड का शुभारंभ किया गया उसी लिंक रोड से प्रधानमंत्री बाई कार कार्यक्रम स्थल तक आएंगे। आपको बताएं कि माना जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश की विकास की रफ्तार है उसमें तेजी आएगी, साथ ही रोजगार के अवसर और स्वरोजगार के अवसर युवाओं को प्रदान किए जाएंगे। वहीं मयूरी अगर बात की जाए तो तमाम जो युवा हैं प्रदेश के वो कहीं ना कहीं आशा अपेक्षा लगाकर बैठे इस आयोजन से कि उनके भी क्षेत्र में कुछ विकास हो, जिससे वो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का दर है उत्तर प्रदेश के अंदर में वो उसमें कुछ गिरावट देखने को मिले। वहीं आपको बताएं कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार विगत महीनों से लगातार प्रयासरत है। वहीं अगर बात करें
सबसे पहले तो योगी सरकार के मंत्री विदेशों में जाकर और वो उत्सव किए और MOU साइन किए। आपको बताएं कि MOU के माध्यम से अगर बात करें तो जो लक्ष्य है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को डेवलप की जाएगी उससे एक लगभग 10 टाइम ज्यादा आका जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं देखिए तो लगभग इसके 10 गुना हो सकता है। वो आने वाले समयों में कहना साफ होगा और MOU के कंफर्मेशन के बाद हम ये कह सकेंगे कि कितने का इसमें विकास के लोग निवेश के इच्छा से यहाँ विकास के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अगर बात की जाए तो ये निवेशक जो भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ये कार्यक्रम स्थल के बाद कॉन्फ्रेंस रूम जाएंगे। आपको बताएं कि 4 कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं और चारों कॉन्फ्रेंस रूम में अलग अलग सेशन चलेंगे। अगर बात की जाए तो पूरे पौराणिक इतिहास को देखते हुए धार्मिक चीजों को देखते हुए पूरे जो भारत की पहचान है कहीं ना कहीं संस्कार संस्कृति उसको पूरी तरह से राजधानी के लखनऊ की सड़कों में सजावट में चाहे कार्यक्रम स्थल पे हर जगह देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए मयूरी तो 4 सेशन की तो चारों सेशन में अलग अलग तमाम जो गणमान्य है वो इसमें अपना संबोधन देंगे। अगर बात की जाए तो आज पहले सबसे पहले जो वाल्मीकि हॉल बनाया गया यानी कि जो 4 हॉल बनाए गए उसमें सबसे पहला हॉल है वाल्मीकि हॉल। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह एवं कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि इसमें संबोधन होगा, साथ ही साथ जो देश के उद्योगपति हैं उनके भी संबोधन की बातें कही जा रही हैं। आपको बताएं कि दूसरा हॉल जिसे व्यास हॉल के नाम से रखा गया है वहां पे डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फॉर द वर्ल्ड के विषय पर चर्चा की जाएगी। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहेंगे। आपको बताएं कि अगर चले हम तीसरे हॉल पे तो तीसरे हॉल का नाम रखा है भारद्वाज हॉल। इसमें सिंगापुर के पर जो पार्टनर है एंटी करप्शन सेशन को लेकर इसमें तमाम बातें की जाएंगी। इसमें अगर बात की जाए तो प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा साथ ही साथ आपके स्वतंत्र देव सिंह भी यहां मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि स्वतंत्र देव सिंह के पास सरकार में एक अहम जिम्मा है और वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको बताएं कि चौथा हॉल जो है वो वशिष्ठ हॉल बनाया गया है। इसमें बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साथ ही साथ इसमें जो तमाम एनर्जी के स्रोत हैं उस पर चर्चा की जाए। इसमें अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री RK सिंह मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे। विवांशु, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन का कार्यक्रम होगा ये कितने बजे होगा? जी अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री 9:10 पर पहुंचेंगे। उसके ठीक बाद अगर देखी जाए तो प्रधानमंत्री को रिसीव कर मुख्यमंत्री उन्हें कार्यक्रम स्थल पे ले आएंगे और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री के पहुंचते ही कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। 9:30 का समय आरक्षित किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्यक्रम की शुरुआत कब की जाती है। आपको बताएं कि एक भव्य तरीके से वृंदावन स्थित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट यानी कि डिफेंस एक्सपो पार्क को सजाया गया है और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में लगभग तय समय अनुसार 2 घंटे रहेंगे और 2 घंटे के बाद वो यहां से प्रस्थान करेंगे अपने अन्य कार्यक्रमों में। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम सेशन चलेंगे। इस सेशन में अगर बात करें तो देश के रक्षा मंत्री 3 दिन तक राजधानी लखनऊ में रहेंगे। लखनऊ के सांसद भी हैं, साथ ही साथ रक्षा मंत्री हैं। लखनऊ से उनका खासा लगाव रहा है और उनकी भी इच्छा होगी कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं तो उनकी भी इच्छा होगी कि प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है उसमें तेजी आए और प्रदेश में जो तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं चौमुखी विकास को लेकर वो कहीं ना कहीं पूरा हो सके। आपको बताएं कि इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं देखें तो देश भर में आज निगाहें लगाकर तमाम अन्य राज्यों में भी लोग बैठे हैं। वहीं अगर बात की जाए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में तमाम ऐसी जगहों पर मुख्यालयों पर LED डिस्प्ले के माध्यम से पूरे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का प्रसारण किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश ऑफिशियल यानी कि UP गवर्नमेंट ऑफिशियल पर आम जनमानस पूरे कार्यक्रम को देख सकेंगे और समाचार अगर बात करें तो Prime TV पूरी सक्रियता के साथ पल पल की अपडेट आपको लगातार मयूरी देता रहा है और देता रहेगा। अगर बात करें तो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे राजधानी का एयरपोर्ट हो, चाहे कार्यक्रम स्थल हो या कार्यक्रम स्थल के अंदर की हो, हर एक जानकारी को Prime TV आपको सीधे एक्सक्लूसिव आपको
देता रहेगा मयूरी। वहीं अगर सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक से लेकर और सुरक्षा के पूरे हर एक पहलुओं पर ध्यान रखा गया है। आला अफसर देर रात तक बैठकर पूरे रोड मैप को तैयार किए कि कैसे हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अगर बात की जाए तो शहीद पथ पे आपको जाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात करें राजधानी लखनऊ में तमाम इवेंट हुए, चाहे बात की जाए योगी सरकार 2.0 में के अंदर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, चाहे बात की जाए हाल फिलहाल में क्रिकेट मैच हुआ, मगर ट्रैफिक व्यवस्था लखनऊ की कहीं ना कहीं किरकिरी कराते हुए नजर आई और आज भी कहीं ना कहीं चूक देखने को मिल रहा है। मगर अभी समय है, ट्रैफिक के तमाम जो अफसर हैं उन्हें मुस्तैदी के साथ चुरूट डाइवर्जन किया गया है। तमाम बड़ी गाड़ियों को शहीद पथ से जो कार्यक्रम स्थल है उधर से जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसको पूरी सक्रियता के साथ पालन कराया जाए और जो तमाम गाड़ियां सड़कों पे फंसी हैं उसके लिए सुचारू ढंग से ट्रैफिक पुलिस के जो अफसर हैं वो उतर कर इसको सही ढंग से अगर सुसज्जित रूप से। लखनऊ के लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? जी विवांशु, लखनऊ के लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? जी मयूरी, अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के जो आम लोग हैं, जो नागरिक हैं, उसके साथ साथ प्रदेश के जो नागरिक हैं उनकी भी कहीं ना कहीं उत्सुकता है कि इस कार्यक्रम को जो कार्यक्रम है उसको भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उससे तमाम आशा अपेक्षाएं लगी हैं, क्योंकि हर एक प्रदेश का जो बसिंदा है, जो वासी है, वो यही चाहता है कि हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री अपने तमाम संबोधनों में कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपयोगी हैं, तो इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं इन सभी जो तमाम जो प्रधानमंत्री का एक हौसला रहा है मुख्यमंत्री को लेकर, अगर देखें तो तमाम ऐसे मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल का लगातार सराहना और तारीफ करते हैं, और जो योगी सरकार का ट्रिपल टी है यानी कि ट्रेड टूरिज्म और साथ ही साथ अगर देखें तो जो ट्रेड टूरिज्म के साथ साथ अगर देखें तो टूरिज्म ट्रेड और तमाम जो तीन पहलुओं पे बात की जाती है वो कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। और बात करें तो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तमाम विशेष तैयारियां की गई है, सड़कों को सजाया गया है, झालर लगाए गए हैं, फूल पत्तियों लगाए गए हैं। साथ ही अगर बात करें हम सुरक्षा की तो सुरक्षा के लिए 22 IPS साथ ही साथ 40 BPS एवं तमाम जो पुलिस के फोर्स हैं वो मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के DGP साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के DM साथ ही मंडलायुक्त और वहीं अगर बात करें तो 500 सुपर कार जो सुपर कॉप यानी कि जो एक्सपर्ट होते हैं पूरे सुरक्षा की दृष्टि से उनको भी लगाया गया है, साथ ही डॉग स्क्वाड को लगाया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं तो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं की गई है तो भीड़ आएगी, साथ ही 10,000 से ऊपर। जी विवांशु, आगे भी आपका रुख करेंगे, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कुछ ही देर में समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तीनों दिनों तक चलने वाले इस समिट में 34 सत्र होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समिट में बढ़ते और बदलते प्रदेश पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। उद्घाटन सत्र 10 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलेगा। बता दें कुछ ही देर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है। शहर को अच्छी तरह से सजाया गया है, वहीं मेहमानों का आगमन भी हो चुका है शहर में। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, कुछ ही देर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, कौन कौन दिग्गज पहुंचने वाले हैं, कौन कौन लोग अभी पहुंच चुके हैं? तो अब धीरे कार्यक्रम स्थलों की तरफ जा रहे हैं, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि होटलों से लोग निकल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से निकलकर एयरपोर्ट गए हैं, वहां से वो प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे, उसके बाद वो साथ ही कार्यक्रम स्थल को रवाना हो गया। मैं आपको बता दूं कि निवेशक जो है अन्य होटलों से कार्यक्रम स्थल पर धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। अगर हम ताज होटल की बात करें तो यहाँ से
जितने भी निवेशक है वो जा चुके हैं, जो छोटे भी बहुत जो मेहमान है यहाँ पे वो धीरे धीरे जा रहे हैं, और बाकी 100 होटलों में बकायदा बुकिंग कराई गई थी। उन होटलों की अगर बात की जाए, होटल ताज, रेनेसा, हयात, यहाँ से विदेशी मेहमान जो रुके हुए हैं वो धीरे धीरे जो है वो कार्यक्रम स्थल की तरफ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद जो है प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट गए, उसके बाद प्रधानमंत्री को लेकर कार्यक्रम स्थल की तरफ जाएंगे। मयूरी विवेक, जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री को सीएम रिसीव करने जा रहे हैं, और उनके साथ कौन लोग मौजूद हैं? देखिए, मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने गए हैं, खुद प्रधानमंत्री वहां पे रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ उनकी पूरी सिक्योरिटी रहेगी, और अन्य बड़े जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े कैबिनेट है, डिप्टी सीएम खुद वहां पे मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वहां पे मौजूद रहेंगे, एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर रवाना किया जाएगा। तमाम निवेशक जो है वो अब वहां पे कार्यक्रम स्थल पर ही पहुंच रहे हैं, और सभी निवेशकों का जमाना हवा लगना शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि कल दोपहर बाद से लगातार जो है निवेशकों का बाजार लखनऊ में गर्म रहा है, दोपहर बाद से निवेशक जो है विदेशी मेहमान जो है, चाहे वो घरेलू मेहमान हो चाहे विदेशी मेहमान हो, सभी निवेशक लगातार कल दोपहर बाद से लखनऊ पहुंच रहे थे। आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पहला दिन है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, और ये समिट उत्तर प्रदेश की इतिहास में इसकी अर्थव्यवस्था को ब्लूम करने वाला समिट है। जो $1 trillion इकोनॉमी का सपना उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखा है उसको पूरा करने के लिए समिट है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार $5 trillion इकोनॉमी की बात करते हैं उसको पूरा करने में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सहयोग है यह समिट, जिसके लिए तमाम निवेशक जो है अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा नंदगोपाल नंदी जो औद्योगिक मंत्री है वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर एक भव्य स्वागत किया जाएगा, इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर सभी की रवानगी होगी। मयूरी विवेक, कुछ ही देर में आगमन हो जाएगा प्रधानमंत्री का, तो उनके कितने कार्यक्रम होंगे, कब तक प्रधानमंत्री शहर में रहेंगे? प्रधानमंत्री पूरे लगभग 2 घंटे तक जो है वो यहाँ पे रहेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला स्वागत भाषण जो होगा वो नंदगोपाल नंदी जो औद्योगिक मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका होगा। उसके बाद जो है 10 मिनट का अभिभाषण जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी रहेगी, और देश सांसद गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो 8 मिनट का भाषण जो है देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 मिनट तक जो है वो सभी को संबोधित करेंगे, और लगभग दो घंटे अगर मैं बात करूं लगभग 2-2.5 घंटे तक वो लखनऊ में रहेंगे, उसके बाद वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मेहरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। आगरा में G20 डेलीगेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डेलीगेशन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगरा पुलिस ने खाका तैयार कर लिया है। आगरा पुलिस ने ड्रोन की सहायता के साथ ही BDS की टीम, ATS कमांडो, PAC सुरक्षा की अन्य एजेंसियां मुस्तैद कर रखी हैं। साथ ही शहर के सभी चौराहे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। डॉग स्क्वाड की टीम और ATS कमांडो होटल के बाहर मौजूद रहेंगे, और होटल के अंदर और बाहर जाने वाले सभी लोगों की चेकिंग की जाएगी। डेलीगेट्स हैं जनपद आगरा में, कल यानी 10 फरवरी को उनका आगमन होगा, और एक चार्टर फ्लाइट के द्वारा वो एयरपोर्ट से, और साथ ही साथ 10 या 11 तारीख को कुछ लिमिटेड लोग सड़क मार्ग से भी आने संभावित हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एयरपोर्ट से लेके जो उनके अवस्थान के स्थल हैं, ताज कन्वेंशन होटल और ताज व्यू होटल, उस रूट पर उनको वेलकम किया जाएगा। वेलकम करने के लिए पुष्प वर्षा का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा भी उनका स्वागत किया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर, लगभग 14-15 स्थानों पर, सांस्कृतिक मंच पर कलाकारों के माध्यम से भी स्वागत किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भी लखनऊ में कल से शुरू हो रही है, और उसका यहाँ भी छोटी छोटी इन्वेस्टर मीट्स रहेंगी, और उसके बाद G20 की डेलीगेशन जो है वो पहले आगरा में, फिर उसके बाद लखनऊ में विजिट करेगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी जो हमारे SO इंस्पेक्टर्स हैं, सभी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, वो जो हमारी स्पेशल फोर्सेस जो हमें मिली हैं, चाहे वो CAPF है, PAC है, ATS के कमांडोज हैं, उनके साथ हर क्षेत्र में घूम के प्रॉपरली उसको इंस्पेक्ट किया जा रहा है, और देखा जा रहा है जो हमारे G20 के डेलीगेट्स का जो रूट है, जिन मॉन्यूमेंट्स पे उनको एक्सकर्शन करनी है, जहाँ पे उनका स्टे है और जहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंसेज है, उन सभी एरियाज़ का AS चेक
BDDS चेक और एंटी माइंस टीम के साथ चेकिंग की जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपको बता दें हम के जो डेलीगेशन खेरिया एयरपोर्ट से फतेहाबाद रोड के लिए निकलेगा, यही वो फतेहाबाद रोड है, ये कमिश्नरी है। आपको दिखा दें हम यहाँ पर तमाम तरीके की चित्रकारी की गई है और तमाम चौराहे और रोड को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आपको बता दें कि ताज नगरी आगरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कल यानी 10 तारीख को 20 देशों के प्रतिनिधि मंडल आगरा पहुंचेंगे और 11 तारीख को वह आगरा लाल किले का दीदार करेंगे, जो आगरा लाल किला आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। वहीं आपको बता दें हम के 12 तारीख को डेलीगेशन ताजमहल का दीदार करेगा, जो ताजमहल 12 तारीख को आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। यूपी राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव अंबेडकर नगर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने देश के आम बजट को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अमृतकाल का पहला आम बजट है जो कि लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यूपी को बहुत ज्यादा लाभ होगा। एडमिनिस्ट्रेटर समिट के आप देखेंगे उदाहरण, तो जो समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं कि हमने एक एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे बना, हमारी सरकार ने 5 एक्सप्रेसवे बना दिया, 5 एक्सप्रेसवे हमने बना दिया। आने वाले दिनों में मूलभूत उत्तर प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हम उसको पूरा करके उत्तर प्रदेश को विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाएंगे। संबल जनपद के चंदौसी में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता गुरुवार को सड़कों पर उतर आए। वहीं बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए और अपनी मांगों को लेकर चंदौसी के मंडी समिति के गेट पर एकत्र हो गए। किसान यूनियन ने सबसे पहले तो गन्ना अधिकारी का घेराव किया, उसके बाद पैदल मार्च नारेबाजी करते हुए हाइडल जा पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत विभाग के अधीक्ष अभियंता कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन अधीक्ष अभियंता अनिल कुमार सिंह को सौंपा। शिकायत है, इसका पूरा परीक्षण किया जाएगा और अगर कोई विभागीय कर्मी इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसान बंधुओं की एक मिसकंसेप्शन था कि मीटर जो ट्यूबवेल पे लगाए जा रहे हैं उससे उनका नुकसान होगा, तो उस मिसकंसेप्शन को दूर करने का प्रयास किया गया। उन्हें बताया गया कि जो ट्यूबवेल पे मीटर लग रहे हैं उसका उद्देश्य उनके बिल से अतिरिक्त पैसा लेना बिल्कुल नहीं है, ये केवल एनर्जी ऑडिटिंग के लिए किया जा रहा है। एक घरेलू करेक्शन के लिए अप्लाई किया, उसमें एस्टीमेट बना 1799 रुपए का और 70,000 उसमें एस्टीमेट बना 1799 रुपए का और जेई ने 7,000 रुपए की डिमांड करी सीधे तौर पे। जब उस व्यक्ति ने 7,000 रुपए नहीं दिए तो उसका एस्टीमेट बनाया गया 29,000 रुपए का। बिजली कितनी खपत हो रही है किसान की, निजी नलकूपों में कितनी बिजली खपत हो रही है, अब उस मीटर के द्वारा जो बिल निकलता है वो कहीं 2,000 आ जाता है, कहीं 3,000 आ जाता है। जब इनसे वार्ता करने के लिए हम जाते हैं कि भाई ये जो है क्यों इस तरह से बिल को बढ़ता है, तो उन्होंने कहा कि हॉर्स पावर, मोटर की हॉर्स पावर जो है उस हॉर्स पावर के अधिक है, लोडिंग अधिक है।
लखीमपुर से मैगलगंज जा रही एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। इससे पूरी एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। आनन फानन में ड्राइवर और एम्बुलेंस में बैठे लोगों ने कूद कर जान बचाई। ड्राइवर ने बताया कि एम्बुलेंस में एकाएक अचानक आग लग गई थी, बुझाने की कोशिश की गई तब तक आग जोरों से भड़क उठी। ये एम्बुलेंस हादसा हुआ, आप चला रहे थे, कहाँ से लेके जा रहे थे? चौक चौराहे सैटेलाइट से लेके जा रहे थे मैगलगंज, तभी रास्ते में अचानक आग लग गई थी। आप लोग तो इसमें पेशेंट लेके जा रहे थे? नहीं, खाली थी सर, हाँ मैं और एमपी दो लोग थे। कैसे आग लगी? अचानक चलते चलते सर। आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? हम लोगों ने मुश्किल मतलब पड़ गया था, कूद गए थे एकदम गाड़ी से, फिर देखा था मजाक मतलब बुझाने का प्रयास किया था, नहीं बुझा। मैं तुम्हारा अमर बहादुर मौर्य एमटी। कहाँ रहते हो? डिस्ट्रिक्ट बहराइच। ये एम्बुलेंस कहाँ से लेके जा रहे थे? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से ले रहा थे, मैगलगंज लोकेशन। आप किस पद पे काम करते हैं? एमटी पद है मेरा, मेडिकल टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। तो इसमें कोई पेशेंट भी था? कोई पेशेंट नहीं था। गाड़ी कहाँ से लेके आ रहे थे? गाड़ी डिस्ट्रिक्ट से लेके जा रहे थे मैगलगंज लोकेशन, वहाँ पे मैप होती है गाड़ी दूसरी गाड़ी पे चलाने के लिए। तो ये आग कैसे लगी गाड़ी? ये चलते चलते अपने आप आग लग गई अचानक। आप लोग? हम थे, हमारा पायलट था, दोनों लोग बाहर कूद लिए। कोई मरीज तो नहीं था? कोई पेशेंट नहीं था गाड़ी में। खबर बुलंदशहर से है, जहां युवाओं को झूठी दिलासा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले दो ठगों को 22 दिन में 3 साल की सजा सुनाई गई। जालसाज अशोक पर 40 मुकदमे दर्ज हैं। शातिर अशोक ने युवाओं को रुपए दुगने करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी की थी। पुलिस प्रशासन पहले ही दोनों आरोपियों की नरसेना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क कर चुकी है। बता दें कि 22 दिन में सजा पाने वाले दोनों ठगों का नाम अशोक, दोनों ने हापुड़ बुलंदशहर, नोएडा अलीगढ़ और गुरुग्राम समेत कई शहरों में युवाओं को ठगी का शिकार बनाया था। रहने वाले थे, एक रघुवीर अशोक सनाफ रघुवीर और दूसरा अशोक सनाफ चंद्रपाल, इनके खिलाफ करीब 40 मुकदमे के आसपास थे, जो उन्होंने लोगों को जैसा आपने कहा कि सलभाग दिखा करके लोगों के पैसे जमा कराते थे और उनको दुगना करने का लालच दे करके और फिर उनसे ठगी कर लेते थे। इस संदर्भ में 14 की कार्रवाई करके करोड़ों रुपए की इनकी संपत्ति भी जब्त की गई थी। ये फरार चल रहे थे, इस फरारी के दौरान 82 की कार्रवाई की गई और 82 कार्रवाई के बाद 174 एक मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें करीब 22 दिन के अंदर 174 एक मुकदमों में 3-3 साल। फिरोजाबाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि यहां सरेआम दो पक्षों के बीच जमकर लड़ाई हुई, जिसमें युवकों महिलाओं समेत कई लोग एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा खूनी संघर्ष फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र कश्मीरी गेट का बताया जा रहा है। कौन लोग थे ये? ये थे मेरे बहन के भैया, दूल्हा है मेरे बहन का, वही गाली वगैरह मारा बहनों की फोन पे। कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं नैनी क्लास का। किस बात को लेके झगड़ा हुआ ये? जे आज मैं अपनी बहन को लेकर आया तो मैं ना रिश्तेदारी में थोड़ी। अच्छा, तो इसकी बहन कोई भुकी या कोई भी देखे हुए तो जावेद को फोन पे गाली वगैरह। क्या क्या नाम है इनके? क्या क्या नाम है इनके? जावेद था, बाप था, और मेरे लगाने थाना कौन सा लगता है आपको? रामगढ़ थाना। रामगढ़ कितने लोग घायल है तुम्हें? मेरा नाम नवासी है। क्या मामला हुआ है भैया? ये मेरे घर लोटे को मारा है। कहाँ का मामला है? मेरा भाई पता नहीं कहाँ गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।